इंदौर नगर निगम द्वारा बुजुर्गों के अपमान को लेकर कांग्रेस ने निगम अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग के साथ संभागायुक्त कार्यालय के परिसर में प्रदर्शन किया एवं ज्ञापन सौंपा। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी, कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया, विधायक संजय शुक्ला और इंदौर शहर अध्यक्ष विनय बागलीवाल सहित बड़ी संख्या में कई जनप्रतिनिधि व कांग्रेस जन मंगलवार को संभागायुक्त कार्यालय में एकत्रित हुए, जहां हाथों में नारेबाजी की तख्तियां लिए कांग्रेसियों ने जमकर शिवराज सरकार को घेरने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेसियों द्वारा प्रतीकात्मक रूप से एक श्रवण कुमार भी बनाया गया, जिसमें बताया गया कि देश में बुजुर्गों का सम्मान सर्वोपरि है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने इस दौरान शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। विधायक संजय शुक्ला, सदाशिव यादव सहित नेताओं ने संयुक्त रूप से संभागायुक्त कार्यालय में संबंधित अधिकारी को ज्ञापन दिया। आयोजन के दौरान शहर कांग्रेस की महिला पदाधिकारी भी मौजूद रही। आपको बताना चाहेंगे कि नगर निगम चुनाव के पूर्व कांग्रेस ने एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की है। इस दौरान हिमांशु यादव, मनीषा शिरोडकर, शशि यादव, राजा पटेल, सुषमा यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। इंदौर से सतीश शर्मा के साथ राकेश सच्चर की रिपोर्ट। आज इंदौर शहर इतनी बड़ी घटना के बाद कलंकित हुआ। माँ अहिल्या की नगरी जहाँ न्याय के लिए जानी जाती है, माँ अहिल्या ने अपने बेटे को हाथियों के नीचे कुचवा दिया न्याय के लिए। मैं मानता हूँ कि एक तरफ कलेक्टर ये बात करते हैं कि मैं गणेश जी से माफ़ी मांगता हूँ, दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री हाथ जोड़ के पत्रकारों के सवाल में निकल जाते हैं और बीजेपी के अध्यक्ष कहते हैं अध्याय समाप्त हो गया। क्या बुजुर्गों का अपमान करके, उनके साथ अत्याचार करके इंदौर के संस्कार को हम बचा सकते हैं? क्या इंदौर ने स्वच्छता में जितना नाम कमाया उस नाम का मिटिया मेट ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया या नहीं किया? मैं मानता हूँ बड़े अधिकारियों पर इस पूरी घटना में कार्रवाई होनी थी। हमें आशा थी कि मुख्यमंत्री न्याय करेंगे, पर मुख्यमंत्री बच गए। क्या कारण है? सोने के अंडे देने वाले अधिकारियाँ बिठा भेज दिए, इसलिए कार्रवाई नहीं होगी। मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी की मांग है इंदौर का सम्मान बचाएं, संस्कार बचाएं। यहाँ इंदौर शहर की राजनीति से ऊपर उठकर एक भावना है, उसके अनुरूप हमारा काम है। जिन लोगों ने गलती की लिपा पोती ना हो, अधिकारियों पर कार्रवाई हो, आगे से दोहराए नहीं ऐसी गलती, इसलिए आगे लगातार चलता रहेगा। लड़ाई नहीं है, ये मानव जीवन की लड़ाई है। जिस तरीके से नगर निगम के कर्मचारियों ने आज बुजुर्गों को एक पशु की तरह इनको फेंका गया, अमान्य व्यवहार किया गया, उसके विरोध में ये माँ अहिल्या की नगरी शर्मसार है। और हम ये मांग करते हैं कि ये जो छोटे कर्मचारियों को जो बर्खास्त किया गया है, इनको बलि का बकरा बनाया गया है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री आते हैं और उनके स्वागत में यदि गमला सही नहीं लगा है, उसमें सोलंकी जी को बर्खास्त किया था, प्रताप सिंह सोलंकी जी को, और उन्हीं को आज फिर बर्खास्त किया गया, तो वो बर्खास्त एक मंत्री के रूप में यहाँ पर इंदौर नगर निगम में उनको बलि का बकरा हर बार बनाया गया है नगर निगम से। तो ये मांग करती है कांग्रेस कि ये बड़े अधिकारी इसका जवाब दें, उनको बर्खास्त करना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने खुले मंच पर माँ अहिल्या की नगरी के इंदौर के नगरवासियों से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि ऐसा कृत्य उनके राज में हुआ है और वो यहाँ पर आते हैं उसके लिए कुछ नहीं बोलते हैं, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। आपका नाम और पद बताएं। मैं इंदौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव। प्रणाम हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।